गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल डायमंड लीडर्स दोस्तों मैं वनीता राज गोल्ड लाइन टैशनल इंटरनेशनल आईडीनेट सिस्टम की तरफ से आप सभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू अवर ग्रेट रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर का सर थैंक यू वेरी मच आपने मुझे मौका दिया आज इस शानदार सेशन में आने का और आई होप कि आज के इस सेशन में मैं बहुत सी बातें रखना चाहूंगी टैंस को लेकर और मेरी जर्नी और आज लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है सो so, इसके लिए सर बहुत बहुत थैंक्स आपका तह दिल से शुक्रिया और आईडीनेट सिस्टम में आए सभी लीडर्स और हमारे गेस्ट और सीनियर्स लीडर्स का वॉर्म वेलकम सो दोस्तों अगर बात करें बिफोर त्यांस की तो एक साधारण सी जिंदगी और लाइफ सिर्फ दिन कट रहे थे एक नॉर्मल हाउसवाइफ वनीता राज, कोई नहीं जानता था कोई पहचान नहीं थी सिर्फ ये कह सकती हूँ कि वही सुबह वही शाम और बल दिन कट रहे थे जिंदगी में सपने सबके होते हैं अक्सर और अच्छी लाइफ जीना लग्जरी लाइफ सबको पसंद है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना और सेल्फ मेड डिपेंड ना हो हम हम अपने आप से कुछ करें हमारी पहचान हो ऐसा कुछ लाइफ में था बट दोस्तों बात करू तो अपने पास तो ऐसा कोई काम ही नहीं था मैं यहाँ पे परमात्मा का बहुत बड़ा थैंक्स करूंगी दिल से कि त्यांस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी एक ऐसा मौका मिला लाइफ में और वो दिन और आज तक त्यांस की बदौलत जो एक साधारण सी जिंदगी जो का मैं बात कि सिर्फ दिन कट रहे थे एक शानदार लग्जरी लाइफ बन चुकी है वो डिसीजन आज से चार साल पहले का सो so, शुक्रिया और मेरे का योगराज सर का मैं बहुत बड़ा थैंक्स और मेरे भाभी जी का और तनु मैम का सीनियर्स लीडर्स का मैं थैंक्स ऑलवेज दिल से कि मुझे रास्ता दिया मौका दिया और मैंने इस मौके को समझा और गई घूम सकते हैं से ऐसी इंडस्ट्री है एक ऐसा मौका एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको जिंदगी में कुछ और करने की जरूरत नहीं है सोचने की जरूरत नहीं है और अगर मैं बात करूं इस छोटी सी जर्नी में और बहुत बड़ी अचीवमेंट गोल्ड लाइन, एक शानदार रैंक स्टेटस पूरी दुनिया घूमने का मौका यहाँ से पांच इंटरनेशनल टूर जो मेरे लिए जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं था क्योंकि अगर मैं बात करूं बिफोर टैंस की तो पूरी जिंदगी ये कह सकते कि तीस बत्तीस साल ऐसे बीत गए थे जिस सिटी में हम रहते हैं उसको भी हमने कभी पूरी तरह से नहीं घुमा था बट आप सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री की पावर और चार साल के अंदर पांच इंटरनेशनल टूर और यहाँ पे मुझे कार फंड मैंने अचीव किया और टैंस की बदौलत अभी दस साढ़े दस लाख रुपए की गाड़ी जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं और रॉयल्टी अचीवर और आज ये कह सकते हैं कि इस शानदार इंडस्ट्री की जो ब्यूटी है जो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, वो है रॉयल्टी इनकम और ये कह सकते हैं कि रात को सोने के भी यहाँ पे पैसे बनते हैं रियली सर आ ये मेरे लिए कभी जिंदगी में मैंने कल्पना भी नहीं की थी और दोस्तों अगर मैं बात करूं बिफोर त्यांस तो बिल्कुल साधारण लाइफ दिन कट रहे थे चार दिवाली तक हम सीमित थे सपने सपने ही रह गए थे और अगर कुछ करना था लाइफ में तो हमेशा डिपेंड जब हम रहते हैं तो मांगना पड़ता था बट दोस्तों सच बात तो यह है कि जिंदगी में कुछ बड़ा और अगर अलग करना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाना होगा और वो आपको सिर्फ आप खुद बना सकते हैं और वो आपको कोई और नहीं बना सकता तो ये मेरा डिसीजन था और इसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस और उतार चढ़ाव दिक्कतें बहुत सी चीजें होती है लाइफ में अक्सर जो होती है मेरे साथ भी हुई बट मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि नहीं ये कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं है अगर जिंदगी में कामयाब होना है अपने सपने साकार करने हैं अपनी पहचान बनानी है तो ये जो छोटी छोटी दिक्कतें हमें लगती हैं अक्सर इसको हमें साइड में रख के फोकस अपने गोल पे अपने टारगेट पे और अपने सपनों पे अपने ड्रीम पे करना है हमें आगे बढ़ना है क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके साथ है और मुझे लगता है जहां तक मेरा मानना है कि जब तक हमारी जिंदगी है ना तब तक ये चलता रहेगा हम कभी भी फ्री नहीं हो सकते हैं जब तक सांसे चल रही है बट अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको उन सब चीजों को पार्ट ऑफ लाइफ लेना होगा और अपने सपने को पूरा करना अपनी पहचान बनाने के लिए आपको अगर मैं बात करूं आज आप सभी को मिला है त्यांस में आने का तो इसको हमें फर्स्ट प्योरिटी में लेना होगा बिजनेस क्योंकि त्यांस एक बहुत बड़ा बिजनेस मौका सबको नहीं मिलता है दोस्तों अगर आज आप हम सब यहाँ पे हैं तो यकीन करिएगा आप दुनिया में बहुत ही लक्की पर्सन में से एक हैं आप इस बात को जरूर समझना जो मैं अपने आप से आपको ये चीज कहती हूँ कि अगर जिंदगी भर भी कुछ भी कर रहे होते तो आज वो सब कुछ पॉसिबल नहीं होता जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अठारह महीने की मेहनत से पॉसिबल हुआ और इसके लिए सिर्फ आपके अंदर शिद्दत लगन आपका डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है कौन क्या कह रहा है मुझे लगता है हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आपको समझ आ चुका है कि आपको क्या चाहिए आपको क्या करना है आपको जिंदगी में बड़ा करने के लिए क्या कुछ करना है तो दोस्तों आपको खुद को चेक करना होगा आपको कामयाब आप खुद बना सकते हैं आपको कामयाब कोई और नहीं बना सकता है आप मोटिवेट हो सकते हैं मौ... Motivational, किसी से मोटिवेट हो सकते हैं इंस्पायर हो सकते हैं ये सब कुछ आपको मिल सकता है बट जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको कामयाब आप खुद कर सकते हैं आपके सपने आप खुद पूरे कर सकते हैं आपके सपने कोई और पूरे नहीं कर सकते हैं। ये बात तय है, है और इस बात को गांठ बांध ली कि यस दोस्तों मेरा टारगेट त्यांस में था गोल्ड लाइन बनना और यकीन करना शुरुआत की तो जैसे मैं आप सभी से डिस्कस हमेशा करती हूं और कर रही हूं और आप सभी को पता भी है मैक्सिमम लीडर्स पैनल पे बट मैं जरूर बताऊंगी कि परिवार था हस्बैंड बच्चे रिश्तेदारी पेरेंट्स सब कुछ और घर से तो पहले ही मना थी नहीं करना है जैसे सबके साथ होती है बट दोस्तों मैंने सबको मैनेज किया सबको साथ लेकर चले क्योंकि हमें परिवार भी चाहिए हमें पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, रिश्तेदार सबको साथ लेकर चलना है और सभी के साथ हम आगे बढ़े और मैनेज किया क्योंकि एक बात समझ आई कि ये सब आपके अपने हाथ में कि आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप अपने काम के लिए प्लानिंग कैसे करते हैं और आप क्या चाहते हैं आप उस चीज को कैसे पा सकते हैं वो सब कुछ हमारे अपने हाथ में है करते करते आज यहाँ पहुंच गए हैं और अगर मैं बात करूं अभी आप सभी से ही, क्योंकि आपने सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं देख रही थी कि सर ने एक वीडियो चलाई थी जिसमें मेरी बहुत सारी शेयरिंग हुई आप सबने सुना होगा आई होप जो लीडर्स यहाँ पे आए टाइम से उन्होंने देखा होगा कि मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हुआ बट आज सिर्फ और सिर्फ मैं आप सभी के बीच में दोस्तों एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी कि ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ यहाँ तक कैसे पहुंचे इतने शॉर्ट टाइम में मैं सच आपको जिस दिन से मैं त्यांस में हूँ कंपनी ने कोई भी पॉलिसी टूर ऑफर्स कार फंड कुछ भी जो भी दिया कंपनी ने क्योंकि कंपनी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, कुछ यहाँ पे हमें हर रोज कुछ नया देती है मैंने शुरुआत से ही पॉलिसीज़ ऑफर्स कार फंड टूर इन सब चीजों के को लेकर काम किया क्योंकि दोस्तों टूर तो एक बहाना है बट आप यकीन करिएगा अगर आप इसके लिए प्लानिंग करते हैं एक्शन करते हैं एक्शन लेते हैं और अगर आप ठान लेते हैं कि मुझे इसको करना है और अगर आप सीरियस होते हैं अपने काम को लेकर और आप अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करते हैं प्लानिंग करते हैं आप बैठते हैं आप पूछते हैं यकीन करना जो आप लोगों के पास आती है रैंक आते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जब आपके पास अचीवमेंट आती है ना दोस्तों तो आप एक नए लेवल की तैयारी पे चले जाते हैं आपके जो नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू हो जाती है कंपनी इतना कुछ देती है हम सभी के लिए बट क्या आप और हम उस चीज को समझ रहे हैं क्या हम उस चीज को लेने के लिए एक्साइटेड है ये आपको हमको चेक करना है जैसे अभी मैं बात करूंगी सिर्फ हमारे पास थाईलैंड टूर को लेकर मैं खुद भी बहुत ज्यादा सीरियस हूं और आप सबको भी मैं एक बात बार 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 ये कहती हूं कि अभी हमारे पास दो महीने बाकी है आप देखिए दो महीने काफी हैं और आप सभी लीडर्स को ये चीज होनी चाहिए कि मुझको थाईलैंड हंड्रेड एंड वन परसेंट जाना है क्योंकि ये मौका हम हम आपको दोबारा नहीं मिलेगा थाईलैंड टूर बहुत कम टारगेट कंपनी ने हमें जो दिया है फर्स्ट टाइम सो आप सोच सकते हैं कि अगर आप थाईलैंड टूर के लिए प्लानिंग कर चुके हैं और आपने ठान लिया है और आप लग चुके हैं तो यकीन करना थाईलैंड टूर के साथ साथ आपके पास कंपनी ने जो नेक्स्ट टूर जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है एक साल पहले आप सोच सकते हैं यानी कि दस महीने पहले अनाउंस हो चुका है कि नेक्स्ट ईयर 9 सितंबर को 2024 को कंपनी 29 जो सेलिब्रेशन एनिवर्सरी होगी वो हमारी दुबई में होगी आप सोचिए पर वो कब होगा अगर आप अभी अपने थाईलैंड टूर के लिए फोकस पे लगे हैं और आपका थाईलैंड टूर हुआ ये मायने नहीं रखता हो सकता है कुछ लीडर्स बहुत कम इससे रह जाए नो प्रॉब्लम बट आप देखना आपकी तैयारी थाईलैंड टूर किसके साथ साथ दुबई टूर के लिए हो रही है और एक और मजेदार बात मैं आप सभी से शेयर करूं क्योंकि मैं सच कहूं तो आज मेरी ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह मेरी एक्साइटमेंट है कोई भी टूर पॉलिसी आता है तो मुझे मैं फास्ट दिन से इस तरह से प्लानिंग करती थी करती हूं कि यस मुझे इसके लिए प्लानिंग करनी है इस पर काम करना है और लेना है अभी आप देखेंगे थाईलैंड टूर के साथ साथ अभी कंपनी हमें फिर से जिस तरह से आप सभी को बताया जा रहा है कि कंपनी ने पहली बार एट स्टार लीडर्स पे भी कार फंड देना स्टार्ट कर दिया है आप सोचिए कार फंड में आफ्टर रॉयलिटी जब आप रॉयलिटी पे एंटर होते हैं तो उसके बाद यहाँ पे कार फंड मिलना शुरू होता है बट आप सोचिए कि हम कितने लक्की हैं कि कंपनी ने अब यहाँ पे एट स्टार लीडर्स को कार फंड देना शुरू कर दिया है अभी बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पे कार फंड क्वालिफाई किया है कुछ लीडर्स ने यहाँ पे अपनी दो दो आईडी पे कार फंड लिया है सोचिए आप और हम नहीं ले सकते बस ये सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन है डिसाइड आपको करना होगा आपको चाहिए आपके अंदर कामयाबी की भूख अगर लग गई और आपके सपने सच्चे हैं अगर आप दिल से चाहते हैं कि यस yes! मुझे भी चाहिए ये सब कुछ यकीन करना आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता आपको टूर अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको कार फंड लेने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको रॉयल्टी पे आने से कोई भी नहीं रोक सकता ये मैं आपको यहाँ पे दावे के साथ कह सकती हूं क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने ये सब कुछ खुद यहाँ पे किया है तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि एट स्टार लीडर्स को कार फंड लेने का मौका मिल रहा है और कंपनी आपको यहां पे कार फंड देती है और आप यहां पे अपनी एट स्टार रैंक पे अपनी एक शानदार गाड़ी ले सकते हैं जिससे आपको गोल्ड लाइन बनने के लिए वक्त नहीं लगेगा क्योंकि जो काम आप दिन में हो सकता हम एक मीटिंग करते जब आपके पास एक शानदार गाड़ी आएगी सोचिए तो आपके दिन में जो एक मीटिंग होती है उसमें हो सकता है चार से पांच मीटिंग्स कर रहे हैं ये मैं अपने आप से इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने किया है जब मैंने एट स्टार पे एक गाड़ी ली थे की वजह से और अपने पास एक साइकिल भी नहीं थी सच बात तो ये है और बट इंडस्ट्री की पावर और इस बिजनेस की पावर और मेरे मेंटोज की जो गाइडेंस सपोर्ट जो भरोसा मुझ पर तो जिस तरह से मुझे कहा कि आप सर ने कहा जी, आप गाड़ी लीजिए अगर आपको बहुत शॉर्ट टाइम पे गोल्ड लाइन है त्यांस कार फंड देता है और वो आपको हंड्रेड परसेंट यहां पे मिलेगा जब आप काम करेगी तो मैंने एयर स्टार पे गाड़ी ली और उस गाड़ी की वजह से इतना शानदार काम जो हुआ और जो दिन में जहां पे हम सिर्फ एक या दो मीटिंग कर सकते थे हमने चार चार पांच पांच मीटिंग्स करना शुरू करी जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे गोल्ड लाइन बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ अठारह महीने लगे आप सोचिए दोस्तों और उसके साथ साथ यहाँ पे टूर कार फंड जो मुझे कंपनी की तरफ से मिला वो एक डिसीजन था और उस डिसीजन ने ये सब कुछ जो संभव हुआ वो कर दिया और कंपनी अभी के हकदार है सो दोस्तों इसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाए जितने भी हमारे एट स्टार लीडर्स हैं और जो अभी एट स्टार बनने के बिल्कुल करीब हैं और कंपनी जब तक अभी पॉलिसी अनाउंस करती है आप लोग अपना एट स्टार डन कीजिए क्योंकि आप लोगों को भी कार फंड लेने का मौका मिलेगा ये बहुत शानदार मौका है आप सभी के पास और इसके लिए आप लग जाइए और बाकी लीडर्स थाईलैंड टूर पे फोकस करें और ये सब कुछ संभव है अगर आपने ठान लिया ना दोस्तों यकीन करना आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है आपको अचीवमेंट पाने से कोई भी और आपका कॉन्फिडेंस आपकी एनर्जी आपको खुद अपने अंदर पैदा करनी होगी ये चीज बहुत जरूरी है बहुत कुछ बड़ा करने के लिए अगर आपके अंदर ये सब कुछ है यकीन करना आप टॉप लेवल तक जाएंगे आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बहुत कुछ नया कर सकते हैं और करेंगे ये बात तय है बिल्कुल और इसके लिए मैं ऑलवेज यहाँ पे थैंक्स करती हूं मेरे मेंटोस का और रिस्पेक्टिव डायरेक्टर सर का जिन्होंने ये बात हमें डेली बताई है समझाई है कि सिस्टम एजुकेशन और कॉन्फिडेंस आपका एनर्जी लेवल क्यों जरूरी है अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको ये चीजें आपके अंदर होना बहुत जरूरी है और एक बात बिल्कुल तय है कि आपका जो रिमोट है ना आपकी लाइफ का वो आपके अपने हाथ में है अब आप पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से घुमा रहे हैं तरीका क्या है हम उसको कैसे ले रहे हैं क्या हम उसको सही वे पे क्या हम सही पाथ पे चल रहे हैं क्या हम उन लोगों को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं जो यहाँ पे सक्सेस हैं जो कामयाब है जिनकी पहचान है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अभी भी लेफ्ट राइट चेक कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कि अभी भी हम बिल्कुल लेफ्ट राइट लगे पड़े हैं कि अगर आपका होगा तो मैं करूंगी अगर उसका होगा तो मैं करूंगी यानी कि डिपेंड तो मुझे लगता है दोस्तों कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते इस तरह से टाइम बर्बाद कर रहे हैं और हम कुछ बड़ा तो दूर की बात है बट हम बहुत टाइम लगेगा हमें आगे जाने में सो दोस्तों एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर मैं बात करूं खुद की कि अगर आपको सच में यहाँ पे वो सब कुछ चाहिए जो एक सक्सेसफुल यहाँ पे चुका है तो बात करूं यहाँ पे और जिनको कभी ये कहा जाता था कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं, यकीन करना दोस्तों और ये जो बात है इसमें मुझे बड़ा मजा आता था जब हमें इस तरह से कहा जाता था कि आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में और जिंदगी में मजा आप कुछ नहीं कर सकते मतलब लोग कहते थे बट मुझे ऐसा लगता था कि लोग क्या कह रहे हैं नो प्रॉब्लम हमको करके दिखाना है आप देखेंगे त्यांस में मैं गोल्ड लाइन की बात करूं प्रवीणा वगारा मैम है और मैं गुजरात से जो आज यहाँ पे एक लग्जरी लाइफ जी रही है और एक वुमेन उनके लिए भी सारी चीजें एक लेडी सिंपल और जॉब को क्विट किया देन एक डेढ़ साल के बच्चे के साथ त्यांस में अपना करियर स्टार्ट किया और एक जिद और जुनून जो था उनके अंदर क्योंकि दोस्तों जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस करने होंगे और त्यांस में सिर्फ जिंदगी के साल डेढ़ साल और मैं बोलती हूं जिंदगी में अगर एक नॉर्मल साधारण सी जिंदगी भी जीनी है ना तो पूरी जिंदगी भर एक परिवार को चलाने के लिए जिंदगी बीत जाती है वहां पे सिर्फ दाल रोटी कमा सकते हैं कभी भी अपनी लाइफ को आप शानदार नहीं जी सकते हैं बट मैं त्यांस की बात करूं अगर आपने जिंदगी भर मेहनत नहीं करनी है जिंदगी भर काम नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी भर हम एंजॉय करें अपने परिवार के साथ पहचान बनाए तो यकीन करना दोस्तों जिंदगी के साल डेढ़ साल मेहनत कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं आप यहाँ पे देखेंगे सोनल पटेल जी गोल्ड लाइन है गुजरात से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ वुमेन्स को देखकर कि यार वो कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं क्या उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है क्या परिवार नहीं है बच्चे नहीं है क्या उनके साथ दिक्कत नहीं होगी क्या उनको मना नहीं करते होंगे घर वाले यकीन करना सबसे पहले लेडीज के लिए घर से ही ना होती है सबसे पहले घर से ही इस तरह से लिया जाता है कि आप कभी बिजनेस नहीं कर सकती आप वो करें जो आपका काम है यकीन करना बट दोस्तों अगर आप लोगों ने ठान लिया है ना तो मेरा तो यह कहना है कि आज लेडी आज एक लेडीज किस डिपार्टमेंट में नहीं है और कहाँ एक मेल से पीछे है हर जगह आज एक लेडी मेल का रोल पैदा कर रही है अदा कर रही है सोचिए आप देखना कहीं पे भी आप विजिट करते होंगे कहीं पे भी आप जाते होंगे किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाते होंगे तो आप वहां पे देखते होंगे कि हमारी तरह एक नॉर्मल लेडी जो आज हर डिपार्टमेंट में है हर अच्छी जॉब में है मेल के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर खड़ी है आप देखिए आप उस उन चीज को कभी नोट करे और अपने साथ कंपेयर कर इस तरह से लीजिए कि वो कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते दोस्तों मैं बोलती हूँ कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है में ऐसी-ऐसी महिलाओं को अपने साथ देखे और कंपेयर करें कि क्या उनके पास नहीं है सारी चीजें दोस्तों बिल्कुल है मैं अपनी बात बताऊं तीन साढ़े तीन साल तक मैंने अपने आप से इस तरह से प्रण लिया कुछ भी हो जाए सबसे प्यारा मम्मा पापा का घर होता है मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने ये बात कही या मेरे को किसी ने टारगेट दिया यकीन करना दोस्तों ये मैंने अपने आप से प्रण लिया एक दिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टर सर को सुना कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना तो आपको सबसे प्यारी चीज को त्यागना पड़ेगा जो आपको बार 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 याद आती है तो मेरे लिए मेरी जिंदगी में मेरी सबसे प्यारी चीज थी मेरे मामा पापा का घर तो मुझे लगा कि वो बार बार मुझे याद आता है पर मैंने इन तीन तीन साल में अपने आप से इस तरह से प्रण लिया कि जब तक मैं गोल्ड लॉयन ना बनू मैं नहीं जाऊंगी यकीन करना जब हर तीसरे दूसरे दिन घर से कॉल आता था मम्मा पापा का तो मैं ये नहीं बोलती थी कि मैंने इस तरह से अप्रण लिया है मैं मैं इसी तो एक ही बात कहती थी पक्का आऊंगी अभी मुझे गोल्ड लाइन बनना है त्यांस में हालांकि उनको नहीं मालूम था गोल्ड लाइन क्या होता है बट मैं एक बात कहती थी कि मेरा अभी कुछ काम है मैं उसको पूरा करूंगी उसके बाद मैं हंड्रेड एंड वन परसेंट सबसे पहले आपके पास आऊंगी सोचिए और जब आती थी और ऐसा लगता था कि की। मैंने अपने आप से प्रण लिया है मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए गिर गिर-गिर के के दोस्तों गिर गिर के उठना और अपने आप को बनाना अपने आप को आप खुद मज, मजबूत बना सकते हैं अपने आप को आप खुद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप अपने आप को कामयाब खुद बना सकते हैं ये सब हैं। तो में कुछ थैंक यू सर सॉरी लीडर्स सो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी नेटवर्क इशू की वजह से सो so, मैं यही डिस्कस uh, कर रही थी कि अगर ये सब कुछ और कुछ बड़ा करना है तो आपको इन सब चीजों को अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है आपको कामयाब आप कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता और मैं आज की बात करूं टैंस की जिस इंडस्ट्री से आज हाँ मैं अपनी बात करूं कि जीरो से शुरुआत किया था और आज एक शानदार लग्जरी लाइफ पहचान पूरी दुनिया घूमने का मौका दोस्तों ये सब कुछ पॉसिबल हुआ वो डिसीजन और मान लिया कि करके दिखाना है एक्शन प्लानिंग एनर्जी कॉन्फिडेंस खुद पे भरोसा सिस्टम पे भरोसा आइडीनट सिस्टम एजुकेशन और हमारे सीनियर्स और हमारे मेंटोर्स जिस तरह से खाना दोस्तों यकीन करना मैंने कभी भी नो no नहीं किया होगा लाइफ में कभी भी नहीं यस 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 सर सर मैम मैम दो वर्ड्स मुझे पसंद है और कैसा ही भी टाइम आया कैसी भी सिचुएशन आई अप्स एंड डाउन किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा कभी भी अपने को ऐसा नहीं लगा कि मुझे बुरा लगता है मुझे कभी बुरा लगा ही नहीं मैं सच कहूं तो क्योंकि किसी ने अच्छा कहा तो उसका भी हमेशा थैंक्स किया और किसी ने जैसा कहा मुझे एक बात समझ आई और अपने आप को समझाया कि हम उतनी ही बात करेंगे जितनी हमारी समझ है नो no प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं और आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए और फॉलो किया मैं सच कहूं दोस्तों मैं आज अपनी ग्रोथ के लिए मैं बात करूं बार बार तो मैं अपना ग्रोथ का सबसे बड़ा श्रेय आईडी सिस्टम को और मेरे मेंटोर्स को योगरा सर को देती हूं क्योंकि आ, मैंने किसी को नहीं देखा मुझे एक बात समझ आई कि यहाँ पे सिर्फ हमें सीनियर्स को देखना है एक्टिव सीनियर्स को देखना है जो हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल और एक्टिव मेंटोर्स हैं जो डेली डेली खुद सिस्टम में हैं जो टीम के साथ हमेशा खड़े हैं, उनको कॉपी किया और वो ही करते चले गए जो उन्होंने किया और हर बीवीएस इवेंट्स को अटेंड किया विद टीम जहां पे जिस तरह का भी बीवीएस कहीं पे भी किसी भी रीजन में टीम के साथ वहां पे पहुंच गए और जिस तरह से वहां पे बताया जो भी बात की उसको माइंड में सेट किया और नेक्स्ट डे से हम उसी पे ही काम करते रहे और वही बात हमने नीचे टीम को दी जो बात हमें सीनियर्स ने कही हमने वही टीम को दिया और टीम के साथ हमेशा खड़े रहे और जिस तरह से लगा कि नहीं अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है सपने पूरे करने हैं और अपनी पहचान बनानी है तो वो आप सब हम अकेले नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको टीम चाहिए उसके लिए आपको अपने साथ लोग चाहिए और उसके लिए आपके साथ लोग कब बने रहेंगे जब आप लोगों के साथ बने रहेंगे लोग आपको कब पसंद करेंगे जब आप लोगों को पसंद करेंगे लोग आपको कब प्यार देंगे जब हम लोगों को प्यार देंगे रिस्पेक्ट देंगे रिगार्ड्स देंगे जैसा हम देंगे ना दोस्तों वैसा ही आपको मिलेगा ये चीज मुझे बहुत समझ आई और परमात्मा का शुक्रिया थैंक्स के टाइम से समझ आ गई थी और उसकी वजह है मैंने ऑलवेज अपने आप को ऑडिनेट सिस्टम में कैसी भी सिचुएशन रही ऑन वीडियो और पूरा टाइम यहां पे अपने आप को रखा आगे क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है आज भी है और जब तो कुछ भी पता नहीं था दोस्तों तो तो बहुत ज्यादा जरूरत थी और एक बात समझ आ गई जो हमारे डायरेक्टर सर हमेशा ही कहते कि अगर आपको कामयाब होना है ना उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को चेक करना है अगर आप टीम से चाहते हैं ना दोस्तों कि मेरी टीम ऐसा करे तो आपको करना पड़ेगा हमको करना पड़ेगा तो टीम करेगी पर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हम टीम से भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं अगर आज आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं एक्शन नहीं ले रहे हैं आप अचीवमेंट्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम टीम के साथ काम नहीं कर रहे हैं हम टीम के साथ बैठते नहीं है आप लीडर सीनियर्स के साथ टच में नहीं है कन्वर्सेशन हमारा नहीं है तो हम टीम से भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप कर रहे हैं तो आपकी टीम करेगी ये बात तय है आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी टीम नहीं करेगी ये बात बिल्कुल तय है टाइम हम सबके पास इक्वल है टारगेट हम सबके पास कंपनी इक्वल देती है जब भी टूर पॉलिसीज़ देती है सोचिए प्रोडक्ट सेम है प्लान सबके लिए सेम है सब कुछ सबके लिए सेम है तो चेक हमें करना है अपने आप को क्योंकि हम देखते हैं बहुत से लीडर्स निकल रहे हैं उभर रहे हैं शानदार इनकम कमा रहे हैं अच्छे रैंक पे जा रहे हैं उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो अपने सीनियर्स के टच में है वो प्लानिंग कर रहे हैं उन्होंने यस सर यस सर यस सर करना शुरू कर दिया और गांठ बांध ली है कि अपने को तो वही करना है जो मेरे सीनियर कह रहे हैं यकीन करना दोस्तों आज उनकी ग्रोथ बहुत बड़े लेवल पे जा रही है बट अगर आज हम ये नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें ये करना होगा अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं ना दोस्तों तो इसके लिए सबसे पहले काम ये करे कि हमें जो आलस है ना आलस वो तुरंत त्यागना पड़ेगा हमें आगे बढ़ने के लिए जो आलस है ना आज नहीं कल करेंगे कल नहीं परसों करेंगे यकीन करना कल किसने देखा है हम नहीं कर सकते कुछ बड़ा लाइफ में और एक बात तय है जिंदगी में आप जितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करेंगे उतने ही हम मजबूत बनेंगे यकीन करना अगर आज हम लाइफ में कुछ बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं ना तो यकीन करना आप उतने ही मजबूत बनेंगे और जब आप मजबूत बन जाओगे जब हम मजबूत बन जाएंगे ना दोस्तों तो जिंदगी बहुत आसान लगने लगेगी यकीन करना अगर आज हम जिंदगी में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो वो कोई मुश्किलें नहीं है वो आपको बहुत मजबूत बना रही है क्योंकि अगर आज नहीं हो, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है नो प्रॉब्लम नेगेटिव नहीं होना है उसके लिए आप अपने आप को इस तरह से समझाइए कि परमात्मा आपके लिए कुछ नया कुछ अच्छा चाहते हैं यकीन करना और उससे अगर आप मजबूत बनेंगे ना तो यकीन करना जब आप मजबूत बन जाएंगे तो जिंदगी बहुत आसान होती चली जाएगी बहुत आसान होती चली जाएगी तो ये है बट उसके लिए आपको अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिविटी लोग क्या कह रहे हैं अप्स एंड डाउन उतार चढ़ाव नेक्स्ट 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 पे फोकस करे मैं एक ही बात को मानती हूं और जिसको मैंने गांठ बांध रखी है जो सर हमेशा ही कहते हैं और कि आपको अगर कुछ जिंदगी में बड़ा करना है ना और आप तैयार है और आपके सपने हैं आपको चाहिए तो आपको लगना है लोगों की कमी नहीं है लोग फिर आ जाएंगे लोग बैठे हैं करने के लिए चाहते हैं कि हमारे तक कुछ काम पहुंचे आप आगे बढ़ते रहिए आप आगे बढ़ते रहिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे फोकस करें और आप सबको साथ लेकर चले बट अगर फिर भी मैं कहती हूं ना यकीन करना दोस्तों मैं सब यही करती हूं मैं मेरी टीम मेरे लिए मेरे परिवार से भी बढ़कर है क्यों क्योंकि आज जो मेरी पहचान है ना दोस्तों टीम से है हमेशा टीम के लिए हम दो कदम टीम चलेगी तो मैं चार कदम चलने के लिए तैयार हूं क्योंकि उसकी वजह से आज त्यांस में उनकी वजह से आज मैं कामयाब हूं पहचान है और पूरी दुनिया घूमने का मौका और आज जो कुछ भी खाते हैं पहनते हैं और घर पे मैं बोलती हूँ ना रोटी से लेकर कपड़े से लेकर आज हम त्यांस का खा रहे हैं पहन रहे हैं तो हम ऋणी है इस इंडस्ट्री के लिए और टीम के लिए हमेशा दिल से और मेरे सीनियर्स का मेंटोर्स का जितना थैंक्स किया जाए मैं कम पड़ जाएगा क्योंकि मैं बोलती हूँ मैंने तो स्पेशली कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिंदगी में ऐसा मौका आएगा ऐसी ऑपरचुनिटी आएगी जहां पे जिंदगी शानदार हो जाएगी और वो सब कुछ कैसे हुआ सिर्फ डिसीजन और कैसे पॉसिबल हुआ कामयाबी सिस्टम यस सर करते गए मेंटोर्स मेरे सीनियर्स लीडर्स को मैंने फॉलो किया और कभी भी उस पर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं किया हमारी औकात ही नहीं है क्योंकि हमें लगता है ना सबसे पहले मैं परमात्मा से डरती हूं कि नहीं भगवान ने अगर इतना बड़ा मौका दिया है ना और जिनकी वजह से आज हम कामयाब हो रहे हैं तो हम उनको कभी भी नहीं भूल सकते चाहे हम कुछ भी बन जाए सो सर इसके लिए बहुत 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 बड़ा दिल से थैंक्स और जितना कहूं उतना कम पड़ जाएगा मैं तो एक ही बात कहती हूँ सभी कोई कि मेरा बार 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 एक ही मैसेज होता है कि अगर हमें कुछ बोला जा रहा है ना आज यकीन करना आप उसको करना शुरू कर दीजिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है जिंदगी में हर इंसान को डर लगता है ये बात फैक्ट है कोई भी इंसान है क्योंकि हम भगवान तो है नहीं हर इंसान को डर लगता है दोस्तों लेकिन जो डर से आगे निकल गया ना यकीन करना थोड़ी देर का जो डर है अगर वो डर से आगे निकल गया तो उसकी जीत तय है ये बात बिल्कुल तय है अगर आपने डर का, का मुकाबला कर लिया वो थोड़ी देर के लिए आता है और यकीन करना तो आपकी जीत बिल्कुल तय है बट कब जब आपने डर को झेल लिया थोड़ी देर के लिए जो आया था भूकंप थोड़ी देर के लिए आता है उथल पुथल भी होती है बट बहुत से लोग घबरा जाते हैं और उनके माइंड में वो चीज बिल्कुल बहुत टाइम के लिए सेट रहती है कि पता नहीं कब क्या हो जाए बट जिसने इस तरह से ले लिया कि ठीक है आया था और चला गया बात खत्म यकीन करना वही है जिंदगी सो so, ये आज का मेरा मैसेज आई होप कि इस मैसेज के जरिए शायद हम बहुत कुछ नया करें और सबसे मेन चीज सिर्फ और सिर्फ मैं यही है कि थाईलैंड टूर्स बार बार कि, मैं एक ही बात कहूंगी कि आज हमारे पास ये मौका जो है ना दोस्तों थाईलैंड टूर का यह अपने आप में बहुत 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 बड़ा मौका है कंपनी की तरफ से इसके लिए आपका सिर्फ थाईलैंड टूर नहीं हो रहा है एडसार लीडर्स कार फंड में बने रहेंगे और आप हंड्रेड परसेंट कार फंड अचीव करेंगे यकीन करना और उसके साथ साथ आपकी जो नेक्स्ट बहुत बड़ी अचीवमेंट की तैयारी वो आपका दुबई नेक्स्ट ईयर 2024 सितंबर में सोचिए तो लग जाइए डेली एक्टिविटी बहुत जरूरी है एक्शन बहुत जरूरी है सीनियर्स के टच में बहुत जरूरी है रहना प्लानिंग करना बहुत जरूरी है टीम के साथ ग्रुप मीटिंग्स करना अपने लीडर्स के साथ बैठना और टाइम टू टाइम उनको टाइम देना टीम को टच करना सबसे मेन है टीम को सिस्टम में लाना एजुकेशन मस्ट है क्योंकि अगर हम इतना सब कुछ जानते होते तो ध्यान से पहले बहुत कुछ कर रहे होते बट अगर आज भी कुछ बड़ा करना है ना दोस्तों तो मौका मिल चुका है त्यांस आपके पास आ चुका है बट उसके लिए आपको वो करना होगा जो यहाँ पे कामयाब लीडर्स ने किया है हमें उनको फॉलो करना होगा आज जितने भी लोग यहाँ पे कामयाब है ये बात तय है कि वो चंद दिन चंद सेकंड चंद रातों में कामयाब नहीं हुए हैं। उन्होंने है, उन्होंने अपने आप को समझाया उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया उन्होंने एक्शन लिया उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ वो लगे रहे लगे रहे टिके रहे लगे रहे टिके रहे और एक जगह गड्ढा खोदा और यकीन था कि जब एक जगह लगे रहेंगे टिके रहेंगे लगे रहेंगे टिके रहेंगे तो एक दिन वो त्यांस में गोल्ड लाइन भी बनेंगे डायरेक्टर भी बनेंगे और एच भी बनेंगे सो थैंक यू सो मच सभी का ही तय दिल से शुक्रिया मुझे सुनने के लिए और बने रहने के लिए स्पेशली थैंक्स आईडी नेट सिस्टम के जरिए मेरे का तनु का और बिग 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 थैंक्सर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जिनकी वजह से आज मैं कामयाब हूं मैं सक्सेस हूं मेरी जिंदगी में चार चांद लग गए हैं और सर पहचान बन गई है और आज वही पेरेंट्स वही हस्बैंड बच्चे फैमिली जो कहते थे कि नहीं होगा आज वो प्राउड फील करते हैं यकीन करना समटाइम्स जब स्टार्ट किया था तो हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है लेडीज के साथ की मना करते हैं नहीं तो हम कुछ करते मेरा भी ऐसा ही था बट आज हस्बैंड पीठ थपथपाते हैं कि मुझे प्राउड फील है कि जो मैं नहीं कर पाया चौबीस साल में वो तूने चार साल में करके दिखाया तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है जिंदगी में सो इसलिए मैं बोलती हूँ कि त्यांस की मैं ऋणी हूं कि अगर त्यांस नहीं होता ना सर तो ये शब्द शायद मैं मरते दम तक भी नहीं सुनती अपने परिवार से जो आज सिर्फ चार साल में सुने हैं थैंक यू सभी का ही और मेरी एंटायर टीम का बहुत ही शानदार लीडर्स सर जो अपनी मेहनत से और अपने टीम के साथ लगे हैं सभी एट स्टार लीडर्स हमारे हिमाचल से जिनकी लीडरशिप में आज शानदार काम हो रहा है शारदा जी कविता कोहली जी विजय जी शीला जी सुनीता जी और बहुत सारे लीडर्स गीता जी रेखा जी और बाकी सभी सेवन स्टार लीडर्स सर जो आज ग्रूम कर रहे हैं और सिस्टम के हर एक लीडर्स एक से बढ़कर एक और हमारे सीनियर्स लीडर्स यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स मैं सबका थैंक्स करूंगी गोल्ड लाइन में मैं बात करूं वासुदेव सर की सो सर थैंक यू वेरी मच क्योंकि हम बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे भी और यहाँ पे डॉक्टर ए के पांचाल सर हमारे गोल्ड लाइन और यहाँ पे हमारे सोनल पटेल मैम प्रवीणा वगारा मैम और सोम सर हैं और अवर योगराज सर तो सर है ही है सो थैंक यू वेरी मच और तनु मैम का बहुत थैंक्स बहुत बड़ा थैंक्स सभी टीम लीडर्स का क्योंकि मैं सभी से बहुत कुछ सीखी हूँ और उसी की वजह है कि आज मैं बहुत बहुत बहुत, बहुत शानदार स्टेटस और रैंक पे पहुंची क्योंकि मैंने सबको डेली फॉलो किया मैंने सभी से सी सीखा और उसी पे काम किया उसी की वजह कि आज यहाँ पहुंचे सो थैंक यू सो मच और मैं जाते जाते बिल्कुल अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ क्लोज करूंगी यहीं पे विराम दूंगी और मैं इसके बाद अवर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर को बुलाना चाहूंगी कि सर प्लीज आप अपनी बात को रखें और हमारे लिए आपके जो काइंड वर्ड्स हैं आपके जो मैसेज हैं जिससे आज हम ग्रूम हो रहे हैं सो हमें उसकी बहुत नीड है और रहेगी और है और थी सर सो जाते जाते मेरे मैजिकल वर्ड्स बेटर टैंस better life i love dance i love adding a system i'm a diamond we all are diamonds go gold line everyone soon thank you sir thank you thank you very much